अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, कोई भी मन में आपके सवाल हो फ्लाइट वीजा टिकट या क्वारंटीन की या जॉब के बारे में तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही बताना चाहूंगा साथियों, वो अर्दिया एरिया से आ रही है। बहुत ही बड़ी वहां पर घटना घटी है। एक ही फैमिली के कुवैती का, उनकी बीवी का और उनकी बड़ी बेटी का वहां पे किसी ने हत्या कर दिया दोस्तों। एक बॉडी जो है वो किसी अपार्टमेंट में मिली है, उसकी बॉडी जो है बिल्कुल डिकम्पोज हो रही थी क्योंकि 2 दिन से ज्यादा हो चुका था उनके मारे हुए। जो महक आने के बाद किसी पड़ोसी के दौरान या फिर किसी के दौरान दोस्तों पुलिस कंप्लेन की गई। पुलिस कंप्लेन के बाद जब वहां पुलिस पहुंचती है तो देखती है कुवैती शख्स बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है। उसकी बीवी की भी मौत हो चुकी थी और उसकी बड़ी जो बेटी थी उसकी मौत हो चुकी थी। तो फिलहाल दोस्तों उसकी बॉडी को अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और इतना पता चल पाया कि उसको मर्डर किया गया यानी मारा गया है। पर किसने मारा, क्यों मारा, इसके बारे में कोई अभी तफसीस अभी जानकारी नहीं दिया गया है। पुलिस इसी दोस्तों छानबीन कर रही है, पर बॉडी जो पूरा की तरह से दोस्तों डिकम्पोज हो रहा था यानी 2 दिन से भी ज्यादा हो सकता है इसको मरे हुए हो चुका था। तो साथियों, ये घटना जो घटती है अर्दिया एरिया में घटी है, बहुत ही बड़ी घटना है, पूरी दोस्तों एरिया में काफी इसकी चर्चा हो रही है। अगली खबर उसके साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से आ रही है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बहुत ही बड़ी कैंपेन चलाई गई दोस्तों। कैंपेन तो लगभग 2-3 महीने से चल रहा है, आपको पता होगा जितने भी लीगल लोग वहां पे रह रहे हैं, चाहे उनके वीजा एक्सपायर हो चुका हो, एकामा एक्सपायर हो चुका हो या कहीं का वीजा और काम कहीं और कर रहे हैं, इस तरह से बहुत से लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बताया गया है कि आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया रेसिडेंसी वॉलेटर के लिए, जो कि फेक मेड यानी दोस्तों वो लोग वहां पे फेक लेबर ऑफिस में काम करते थे यानी उनका वीजा कहीं और पे लगा हुआ था और काम कहीं वो लोग जाकर कहीं और करते थे। तो फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। तो तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों पर कानूनी कार्रवाई करके तो पूछताछ की जा रही है और तीनों को तुरंत ही डिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि ये सब करना वहां पे इलीगल माना जाता है दोस्तों। ऐसा लोग इसलिए वहां पे करते हैं क्योंकि इलीगल तरीके से काम करने से पैसा उन लोगों को वहां पे ज्यादा मिलता है, इसलिए ये सब करते हैं। तो भाई ये सब यदि आप काम करते हो तो मत कीजिए, नहीं तो पकड़े जाने पे डिपोर्ट कर दिए जाओगे। अगली खबर फिर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है कुवैत एम्बेसी की तरफ से। तो साथियों कुवैत एम्बेसी जो मिस्र में मौजूद है वहां पे एक कुवैती शख्स की दोस्तों मौत हो गई थी। तो मौत के दौरान दोस्तों अभी तक ये पता नहीं चल पाया था। तो एम्बेसी की तरफ से दोस्तों ये वीडियो को वायरल किया गया, इसके बारे में पूरी तफ्तीश के वहां पर किया गया ताकि इजिप्शियन पुलिस जो है इसकी तलाश कर सके क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कुवैती को मारने वाला कौन है क्योंकि मारे हुए काफी ज्यादा दिन हो चुका है। फिलहाल दोस्तों पुलिस इसकी तलाश वहां पर इजिप्ट के पुलिस यानी मिस्र के पुलिस तलाश कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों को पता है दो दिन पहले लगभग पाकिस्तान में दोस्तों कल के दिन ही जुमा के दिन ही वहां पे जुमा के नमाज के दौरान वहां पे धमाका हुआ था जिसकी वजह से लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई, 50 लोग से ज्यादा वहां पे घायल हैं। तो उसको लेकर कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से दुख व्यक्त किया गया, ट्वीट करके दोस्तों वहां पे ट्वीट किया गया पाकिस्तान एम्बेसी को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये काफी बुरी बात, बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है रेस्टोरेंट होटल कैफे जितने भी हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है जितने भी अभी होटल रेस्टोरेंट वगैरह सब बिल्कुल पूरी तरह से खुल चुके हैं, तो उसके बावजूद भी दोस्तों वहां पे रिकवरी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार 2 सालों से पूरा होटल वगैरह सभी बंद था। तो होटल और रेस्टोरेंट के कैफे के जितने वहां पे हेड जो है उनका नाम है फहद अरबाज साहब, उनका कहना है कि पूरी तरह से रिकवर होने में, पूरी तरह से नॉर्मल होने में लगभग 5 साल लग जाएगा सभी का नुकसान को भरपाई करने में, ऐसा उनके तरफ से बताया गया। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।